हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक स्पाइसी पनीर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मैक स्पाइसी पनीर बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को कोट करने के लिए बनाएंगे स्लरी। उसके लिए हम डालेंगे 1 कप मैदा। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर। और डालेंगे 1 गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। और सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और उसे करेंगे अच्छे से मिक्स। आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इसी तरह गाढ़ा होना चाहिए ताकि पनीर की कोटिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और उसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। पनीर की पैटी बनाने के लिए काटेंगे पनीर के पीसेस। पनीर का साइज़ यही रखना ताकि पनीर टूटे ना। अब हम तैयार करेंगे मैक स्पाइसी पनीर बर्गर के लिए मेयोनीज़। उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़। और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। और उसमें चिली डालेंगे 1 टेबलस्पून। और कर लेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक 1/4 टेबलस्पून। और उसे भी कर लेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। मेयोनीज़ हो गई है तैयार। अब हम स्टार्ट करेंगे पनीर की कोटिंग। पनीर को अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे स्लरी में। पनीर पैटी को क्रिस्पी बनाने के लिए अब इसे अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे वेजिटेबल ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे फ्राई। अब इसे चेक करते हैं कि ये नीचे से फ्राई हो चुका है। हाँ, ये फ्राई हो चुका है। अब इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब लगता है पैटी अच्छे से पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। उसके बाद हम पैन लेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और उसके अंदर बंद को थोड़ा सा सेकेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद उसे बाहर निकाल लेंगे और उस पर हम स्प्रेड करेंगे चिली मेयोनीज़। और उसके ऊपर अब हम रखेंगे सलाद पत्ता। और उसके बाद दूसरे बन पे भी लगा लेंगे हम अच्छे से मेयोनीज़। मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद उस पर हम रखेंगे अपनी क्रिस्पी पनीर पैटी। और ये बर्गर हमारा तैयार है। मैक स्पाइसी पनीर बर्गर अब हमारा घर पे मिनटों में इजीली तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये भी बताना कि क्या कभी आपने मैकडी में ये बर्गर ट्राई किया है। चैनल को कर देना लाइक सब्सक्राइब शेयर। तब तक के लिए गुड बाय।